हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आरसी दुबे नौजवान दर्पण न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार भिंड जिले के बरासो थाना अंतर्गत उधरपुरा गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बीते रोज 20 मई 2021 दोपहर के समय पीड़िता रानी, बदला हुआ नाम, उम्र 30 वर्ष, पड़ोस में कचरा डालने गई थी। उसी समय आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना स्थल पर महिला के चिल्लाने से भीड़ इकट्ठी हो गई और आरोपी के साथ भीड़ ने मारपीट कर दी। महिला एवं उसके परिजन तत्काल बरासो थाने में पहुंचे। थाने में महिला ने उक्त घटना की पूरी जानकारी थाना प्रभारी को बताई, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा पीड़िता के साथ इंसाफ न करते हुए पीड़िता व उसके परिजनों को थाने से भगा दिया और दुष्कर्म का मामला दर्ज करने से मना कर दिया एवं थाना प्रभारी के द्वारा दुष्कर्म का मामला दबाते हुए दोनों पक्षों के ऊपर मारपीट का मामला दर्ज कर दिया। दुष्कर्म की घटना के बाद से ही महिला व उसके परिजन लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि थाना प्रभारी के द्वारा उनका आवेदन तक नहीं लिया जा रहा है और पीड़िता व उसके परिजनों को धमकाया जा रहा है एवं आरोपी का पक्ष करते हुए राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा है। भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की पूरी सुनवाई महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा की जाती है, लेकिन बरासो थाने में वीरता को अपनी पूरी घटना पुरुष महिला कर्मियों के साथ साझा करनी पड़ती है, जो कि पीड़िता के लिए थोड़ा कष्टदायक है। न्याय न मिलने पर पीड़िता ने दी बच्चों के साथ आत्महत्या करने की धमकी दी है। पीड़िता ने कहा है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहा है। बरासी पुलिस के द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़िता ने कहा है कि अगर आरोपी को सजा नहीं मिली तो मैं अपने तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर सकती हूँ। धन्यवाद।